सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, रखे भी बढ़िया रहना। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले ग्रैंड ऑफ फायर से रिलेटेड काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। जैसे कि यार, आज की इस वीडियो में हम लोग को बताने वाला हूं हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, और OP35 अपडेट के बाद हमारे गेम में काफी सारे नए चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग बात करें आप लोग के 5th एनिवर्सरी इवेंट न्यू क्रिमिनल बंडल और भी काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। तो भाई, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट मिस करने वाले हो। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा इसी तरह ग्रैंड ऑफ फायर से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली अपडेट आप लोग की बैटल इन स्टाइल इवेंट के लिए निकल कर आ रही। तो भाई, आप सभी लोग तो जानते हैं हमारे गेम में बैटल इन स्टाइल इवेंट की लॉबी वगैरह सब कुछ देखने को मिल चुके हैं, लेकिन गाइस अभी तक हमारे इंडिया सर्वर पर बैटल इन स्टाइल इवेंट का कैलेंडर देखने को नहीं मिला। और जो भी रिवार्ड्स आप लोग हमारे बैटल इन स्टाइल इवेंट में देखने को मिलेंगे, उनका रिव्यू ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले की वीडियोस में कर चुका हूं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए एक न्यू कैलेंडर निकल कर आ रहा है। अब देखो यार, इस कैलेंडर के हिसाब से देखो तो भाई, आप लोग का जो बैटल इन स्टाइल इवेंट है 15 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जहां तक मुझे पता है कि भाई ये कैलेंडर हमारे इंडिया सर्वर का नहीं है, किसी बाहर के सर्वर का दिया गया है। और यार, काफी सारे यूट्यूबर्स आप लोग शायद इंडियन सर्वर का बता रहे हैं, तो यार ऐसा मेरे को नहीं लगता कि भाई ये इंडियन सर्वर का। यार, हो भी सकता है इसमें आप लोगों को काफी सारे रिवार्ड देखने को मिल जाएंगे, जैसे भाई आप लोगों को सीडी दी गई, बैनर अवतार क्लेम करने को मिल जाएंगे, पिन भी दिया गया 3 दिन के लिए, आप लोगों को काफी सारे कैरेक्टर्स भी बिल्कुल फ्री में क्लेम करने को मिलेंगे 3 दिन के लिए, आप लोगों को काफी सारे गन स्किन भी क्लेम करने को मिलेंगे, और क्रैपलाइन कस्टम कार्ड, पेट की स्किन, स्काईबोर्ड की स्किन, मॉन्स्टर ट्रक की स्किन और भी काफी सारे रिवार्ड्स आप लोग को इस इवेंट से देखने को मिलने वाले। अब मैंने आप लोगों को कैलेंडर भी दिखा दिया, पता नहीं इंडियन सर्वर का या किसी और सर्वर का, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आप लोग की फीमेल वाले कैरेक्टर के लिए निकल कर आ रही। तो भाई, कल भी मैंने आप लोगों को हमारे फीमेल वाले कैरेक्टर के बारे में बताया था, लेकिन आज फिर से बता देता हूँ, क्योंकि भाई उसका यहाँ पे फोटो भी निकल कर आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके का फीमेल वाला कैरेक्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसके स्किल के बारे में बात करें तो मैंने आप लोग को कल भी दिखाया था, आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, भाई मैंने ग्लोल के आर पार एनिमी को हेडशॉट मारा, और ये जो कैरेक्टर एनिमी को मार्क करने का भी काम करेगा, तो भाई एक तरीके से इसकी एक्टिव स्किल होने वाली, जो कि आप लोग को OP35 अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलेगा। रही बात आप लोग के मेल वाला कैरेक्टर की, तो कल की वीडियो में आप लोग को मेल वाला कैरेक्टर की स्किल के टेस्ट करके भी बता दिया था। बाकी आप लोग भी जानते हो, फ्री फायर जस्टिन बीबर के साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन करने जा रहा है, तो वही आप लोग का नया कैरेक्टर होने वाला है, और उसकी स्किल भी कुछ इस तरीके से होगी कि भाई अगर आप लोग को एनिमी डैमेज देता है तो थोड़ी ईपी आप लोग की कम होगी एंड एचपी के साथ साथ, तो इसी तरीके की स्किल होगी, ज्यादा कुछ हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो बात करें OP35 अपडेट के बाद हमारे गेम में वाले नए चेंजेस के बारे में, तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, सबसे पहले तो आप लोग को हमारे गेम का सिस्टम यूआई चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि भाई आप लोग को फॉन्ट वगैरह अलग स्टाइल से देखने को मिलेंगे, पूरा गेम का सिस्टम यूआई अलग लुक आप लोग को देखने को मिलेगा, तो ये पहला चेंज आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा चेंज ये है कि आप लोग एक साथ गेम में काफी सारी ग्लोबल स्किन को इक्विप कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गेम में हर कलर की ग्लोबल स्किन को लगाते हुए फिरोगे, इसका मतलब ये है कि भाई जब भी आप लोग गेम खेलने जाओगे तो रैंडमली कोई भी एक ग्लोबल स्किन आप लोग देती जाएगी, और फिर उसे आप लोग को पूरे गेम यूज करना पड़ेगा। जब दूसरा गेम खेलोगे तो भाई आप लोग को फिर से एक और कोई गोल्ड वाली स्किन रैंडमली दे दी जाएगी, कोई भी गोल्ड वाली स्किन वो हो सकती है। थर्ड चेंज ये है कि भाई आप लोग जो मैसेज वगैरह करते थे यहाँ पे आप लोग को सर्कल से देखने को मिल जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इससे आप लोग अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हो। इसी टाइप का चौथा चेंज भी है कि भाई आप लोग के मेडिकेट में भी देखने को मिल जाता है सर्कल से, इसमें आप लोग को एक इनहेलर मेडिकेट और एक जो नई मेडिकेट यहाँ पे निकल कर आ रही है वो भी यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगी। फिफ्थ चेंज भी इसी टाइप का होने वाला है, यहाँ से आप लोग ग्लोबल स्किन, ग्रेनेड स्किन और जो आप लोग का स्मोक ग्रेनेड होता है उसे भी यूज कर सकते हो, और भी काफी सारे ऑप्शन आप लोग को इस सर्कल में देखने को मिल जाएंगे। सिक्स चेंज की बात करें तो भाई आप लोग को बता दो, 3 नए मोड आप लोग के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो पहला मोड आप लोग का कॉइन क्लैश का होने वाला है, इसमें आप लोग काफी सारी कॉइन वगैरह पड़े हुए देखने को मिल जाएंगे, जितने ज्यादा आप लोग कॉइन कलेक्ट करोगे उतने ज्यादा भाई आप लोग विनर हो सकते हो। यहाँ पे लगभग 30 बंदे इस गेम के अंदर जाते हैं, और करना कुछ नहीं, एंड तक जोन आता रहेगा भाई, आप लोग बार बार रिवाइव भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को रिवाइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और जो भी बंदा मिले उसको ठोक देना है, और फिर से आप लोग रिवाइव के बटन पर दबाकर कहीं पे भी स्पॉन हो सकते हो, जितना भी बड़ा मैप होगा कहीं पे भी आप लोग स्पॉन हो सकते हो। जैसे जैसे जोन छोटा होता जाएगा तो बंदे भी छोटे जोन में आते रहेंगे और आप लोग उनको मारते रहोगे। अगला मोड है 3-4 आल वाला, तो गाइस इसमें आप लोग को काफी सारे बंदे देखने को मिल जाएंगे, यानी भाई आप लोग को बॉम्ब स्क्वाड वाला मैप इसके अंदर होने वाला है, और आप लोग को जो मिले उसको भी इसमें ठोकना है। बॉम्ब स्क्वाड में क्या होता था, आप लोग 5 बंदे एक ही टीम में होते थे, लेकिन गाइस यहां पे आप लोग अकेले की एक टीम होगी, तो आप लोग को जो भी मिले ठोक देना है। तो इस तरह एक मोड होगा, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा मोड है, जो कि आप लोग को 3-4 आल के नाम से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो थर्ड मोड आप लोग के लिए निकल कर आ रहा है, इसमें आप लोग को वेस्ट लैंड मैप देखने को मिल जाएगा, यानी कि भाई क्रैपलाइन कस्टम में जो आप लोग को मैप देखने को मिलता है वही मैप आप लोग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा, मतलब कि भाई आप लोग इसमें एक साथ 2 MP40 का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग काफी सारे एनिमीज देखने को मिल जाएंगे, तो उनको आप लोग को मानना है, और लास्ट में जब ये गेम खत्म होने वाला है तो भाई आप लोग को एक कोई भी ड्रॉइड बन जाएगा, मतलब कि इन सब बंदों में से, और वो सबको बंदों को ड्रॉइड बनाता रहेगा, जैसे आप लोग बन जाओगे तो भाई आपको भी ड्रॉइड बनाना है सब लोगों को। तो कुछ इस तरीके का आप लोग के थर्ड मोड होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज यहाँ पे निकल कर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैरेक्टर वॉइस को भी आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब जो आप लोग के कैरेक्टर की वॉइस आती है उसको भी आप लोग यहाँ से बंद या चालू कर सकते हो। इसके अलावा OP35 अपडेट के बाद आप लोग हमारे एक फीमेल का नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैरेक्टर है भाई ग्लोबल
के आर पार भी मारेगा। मैंने यहाँ पे आप लोग को मार के भी दिखाया कि ग्लोरल के आर पार हेडशॉट लगा है मेरा। इसके अलावा ये कैरेक्टर एनिमी को मार्क भी करता है। और लास्ट चेंज ये है कि भाई आप लोग को सेटिंग में एक स्मार्ट थ्रो का ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसे ऑन रखते हो तो भाई आप लोग को डबल स्लॉट में खेलना पड़ेगा। अगर आप लोग इसे ऑफ करते हो तो भाई आप लोग सिंगल स्लॉट एंड डबल स्लॉट में ग्लोरल की स्किन से खेल सकते हो। तो कुछ ये नए चेंजेस आप लोग को हमारी OP35 अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। हाँ पता है पुंजी फीमेल कैरेक्टर के बारे में दो बार बता दिया था, बट यार ये मेरी सेकंड चैनल की वीडियो थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। काफी सारी नई चीजें बताई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। बाकी यार बार बार वॉइस ओवर करने का कोई फायदा नहीं है। चलो कोई नहीं, इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के न्यू क्रिमिनल बंडल के बारे में, जो कि आप लोग को 15th एनिवर्सरी के टाइम देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल भी बताऊंगा और भी कुछ चेंजेस आप लोग के OP35 से रह चुके हैं जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह गर्नर फ्रॉस्ट से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी अपडेट की वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका नया चेंज जो निकल कर आ रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। OP35 अपडेट आने के बाद आप लोग को हमारे गेम में किल इफेक्ट एंड नॉक करोगे जो इफेक्ट अलग तरीके से देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा ऑसम लगता है मेरे को, बहुत ज्यादा देखने में अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने एनिमी को नॉक किया तो अलग तरीके से इफेक्ट देखने को मिल जाता है एंड अगर वो किल होता है तो आप लोग को अलग तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मुझे तो ये वाला अच्छा लगा, बाकी आप लोग को पता नहीं कैसे लगेगा बट मुझे अच्छा लगा एंड आई थिंक आप लोग को भी पसंद आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज यहाँ पे निकल आ रहा है मैं आप लोग को बता दूं, बैटल रॉयल एंड यार क्लैश स्क्वाड में अब आप लोग अपनी मनमर्जी का मैप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस क्लैश स्क्वाड रैंक में अभी भी आप लोग अपनी मनमर्जी का मैप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये चेंज आप लोग को OP35 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। मतलब कि भाई अगर आप लोग के पास बाकी के मैप डाउनलोड नहीं है या फिर आप लोग सारे मैप डाउनलोड करके रखते हो तो भी भाई गाइस आप लोग अपने क्लैश स्क्वाड में तो मैप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे जहां तक पता है शायद आप लोग बैटल रॉयल में पहले भी मैप सेलेक्ट कर सकते थे लेकिन अभी आप लोग क्लैश स्क्वाड में भी मैप सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये चेंज भी आप लोग को OP35 अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आप लोग की कस्टमाइज्ड ओपी को भी यहाँ पे अपडेट किया गया, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले जब आप लोग मैप से कोई भी चीजें उठाते थे, मतलब कि गन वगैरह उठाते थे या फिर भाई SMG MO या ARM उठाते थे तो भाई आप लोग इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटा पाते थे। लेकिन आज आपसे आप लोगों को ये अनलॉक कर दी गई है, यानी कि भाई आप जो भी आइटम आप लोग गेम से उठाते थे अब इसे दूसरी जगह भी आप लोग रख सकते हो, दूसरी जगह से आप लोग इसे उठा सकते हो। और यहाँ पे जो आप लोग को रिवाइव का ऑप्शन देखने को मिलता था उसे भी यहाँ पे अपग्रेड करके हेल्प अप कर दिया गया। मतलब कि भाई नाम चेंज किया गया, सिर्फ और सिर्फ काम वही होगा तो हेल्प अप के नाम से आप लोग को भी ये देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप लोग क्लैशेस करके कस्टम बनाओगे तो आप लोग यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जेनेरिक एनिमी आउटफिट का, जिसे आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हो। मतलब कि भाई अगर आप लोग इसे ऑफ कर दोगे तो एनिमी की जो भी आउटफिट होगी वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, सभी एनिमी एक जैसी ड्रेस में दिखाई देंगे। तो ये चेंज भी आप लोगों को OP35 अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने यार कस्टम खेल के देखा था एडवांस सर्वर में, तो यार मेरे साथ एक चीज हुई, पता नहीं हर बार होगी या नहीं होगी, मैंने एक ही बार कस्टम खेल के देखा था। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे, जैसे हमारा कस्टम स्टार्ट हो जाता है तो भाई सामने वाले की भी एंड मेरी भी SP डाउन होती जाती है ऑटोमेटिकली। तो यार थोड़ी थोड़ी SP डाउन हो रही है तो हो सकता है कि भाई आप लोग को OP35 अपडेट के बाद हमारे गेम में कस्टम जब भी खेलोगे तो इस तरह SP डाउन होती जाएगी। लेकिन इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि भाई ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने एक बार खेला था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, बाकी हर बार होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। इसके बाद कुछ बात आप लोग के न्यू क्रिमिनल बंडल के बारे में, तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग का टॉप न्यू क्रिमिनल बंडल निकल कर आ रहा है। पहले आप लोग को 5 क्रिमिनल बंडल ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अभी ये छठा क्रिमिनल बंडल निकल कर आ रहा, जो कि हो सकता है 5th एनिवर्सरी के टाइम आप लोग हमारे गेम में देखने को मिले। लिखते यहाँ पे निकल कर आ चुके, अब देखने हैं गिरने वाले क्या क्रिमिनल बंडल को सच में लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। मतलब यार क्रिमिनल बंडल पुराना तो रिटर्न में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग के लिए नया डिजाइन किया गया तो नया देखने को मिलेगा। और फाइनली जब हम लोग बात करें आप लोग के गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, तो यार 100% कंफर्म तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख निकल कर आ चुके। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक फीमेल का एक मेल का बंडल आप लोग यहाँ पे दिखाया गया, इनमें से कोई एक बंडल आप लोग को गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे मुझे कुछ कंफर्म अपडेट मिलती है तो आप लोग को जरूर से बता दूंगा। तो बस आज आप लोग के लिए यही सारी नई अपडेट निकल कर आई थी जो मैं आपको बता दी। सो होप करता हूं कि आप लोग को मेरी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करते हो तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाओगे, इसलिए यहां से बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। सो गाइस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज़ एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.